सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शराब का सेवन अधिक मात्रा में लोग करने लग जाते हैं। अब यदि आप भी नियमित तौर पर शराब पी रहे हैं तो तीन बातें हैं ध्यान रखने योग्य, जिन पर आपको ध्यान जरूर देना है। यदि आप रोजाना शराब पी रहे हैं और आपके पेट के दाहिने भाग में भारीपन होने लगा है, मुंह का स्वाद कड़वा बना रहता है, मुंह में छाले होने लगे हैं, पेट साफ होने में आपको दिक्कत आती है या शरीर पर लाल दाने आपको होने लग गए हैं, मतलब आपको फैटी लीवर की दिक्कत हो चुकी है, यदि आप में इनमें से एक लक्षण या ये सभी लक्षण आने लगे हैं तो तुरंत आपको तीन दिन के लिए, कम से कम तीन दिन के लिए आपको शराब का त्याग कर देना है। उन तीन दिनों में आपको करना क्या है, ज्यादा लिक्विड आपको लेना है। भोजन में आपको अनाज, दूध से बनी चीजें और चीनी से बनी चीजें ये एक बार के लिए छोड़ देनी है, सिर्फ तीन दिन के लिए। तीन दिन में आपका शरीर जो है डिटॉक्स हो जाएगा, आप दोबारा शराब का सेवन आसानी से कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए औषधियों की, दो से तीन दवाइयां भी मैं आपको इसके लिए बता देता हूं। अगर आपके पेट के दाहिने भाग में भारीपन बनने लगा है, सुबह उठते हो तो सिर में भारीपन रहता है या नोजियाटिक सी फीलिंग रहती है, खाने के बाद आपको उल्टी जैसा लगता है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही खाली पेट आपको अविपत्तिकर चूर्ण, नाम आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे, पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। एक चम्मच सुबह उठते ही खाली पेट और एक चम्मच रात को सोने से पहले पानी के साथ आप इसका सेवन करेंगे। रूटीन में अगर आप में पेट में जलन बनती है, पेट में भारीपन रहता है या उल्टी जैसा मन रहता है या सिर में भारीपन बनता है, वो अविपत्तिकर चूर्ण से आपका पूर्णतया ठीक हो जाएगा। वहीं यदि आप रोजाना शराब का सेवन कर रहे हैं तो कच्चे आंवले आपको मार्केट से मिल जाएंगे। रोजाना दो से तीन आंवले आपको डेली जरूर खाने हैं, सुबह के नाश्ते के बाद या सुबह के नाश्ते के साथ आप इनका सेवन कर सकते हैं। एक और विशेष ध्यान रखने वाली बात है भाई, अगर आप शराब पी रहे हैं तो कोशिश करें कि खाने में से मीठा आप बिल्कुल निकाल दीजिए, ताकि शरीर में नुकसान कम हो, क्योंकि शरीर को सफेद चीनी प्रोसेस करने में भी समय लगता है, रिफाइंड शुगर जिसको कहा जाता है, उसके भी उतने ही नुकसान है जितने नुकसान शराब की ओवरडोज आपकी डाइट में करती है। तो चीनी का सेवन बंद कर देना है, मैदे का या पैकेट में जितनी चीजें आती हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है। अगर आपके पेट के दाहिने भाग में भारीपन बनने लगा है, मतलब फैटी लीवर की दिक्कत आप में शुरू हो गई है, ऐसे में दो से तीन दिन आपको शराब बिल्कुल बंद कर देनी है, लिक्विड डाइट पे रहना है। लिक्विड डाइट से मेरा तात्पर्य है पानी का सेवन ज्यादा करेंगे, नारियल पानी आप रूटीन में ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे आपका अनानास, पाइनएप्पल जिसको कहा जाता है, मौसमी का सेवन कर सकते हैं, सेब अभी चल रहे हैं, सेब का सेवन आप कर सकते हैं, काफी अच्छे परिणाम उनके रहेंगे, चिकित्सक के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेट में गर्मी ज्यादा बनने लगी है या शरीर पर लाल दाने आपको होने लगे हैं तो आंवला चूर्ण या आमल की रसायन, नाम इसका भी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे, ये दवाई भी आपको आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। एक एक चम्मच खाने के बाद सुबह शाम आप इसका सेवन शुरू कर दीजिए। हाँ, बेहतरीन तो यही रहेगा भाई, लिमिट में पियो। अगर लिमिट है ही नहीं, उसके बाद आप में ये लक्षण आते हैं तो दवाइयां आपका सहारा बन सकती हैं। इसके अलावा यदि आप शराब की लत से परेशान हो चुके हैं और छोड़ना चाहते हैं, देखिए कोई दवाई ऐसी तो नहीं है कि आपका हाथ पकड़ लेगी कि शराब मत पियो, किंतु ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जो आप में शराब छोड़ने के दौरान जो लक्षण आते हैं या तलब जो आपको होती है उस पर काबू किया जा सकता है। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो दवाइयां उपलब्ध हैं, फैटी लीवर की दवाइयां भी, आयुर्वेदिक उपचार हमारे पास उपलब्ध है।